जितने विषय आज पाकिस्तान कह रहा है ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उन सब पर बात होगी, लेकिन कब होगी? जब पहले आतंकवाद और हिंसा समाप्त होगी, और आतंकवाद और हिंसा समाप्त हो इसके लिए ये बातचीत तय की गई। वार्ता से पहले जब मिलते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उनको स्टेक होल्डर मानते हैं, और इस बार तो उन्होंने साफ कह ही दिया कि हम तो उनको जेन्युइन स्टेक होल्डर मानते हैं, बोल ही दिया उन्होंने। लेकिन वैसे कोई भारत पाकिस्तान से आता है और ये उनसे मांगते थे मीटिंग के हमको, तो लोग मिलने देते थे। लेकिन वार्ता का पक्षकार बनाना और वैसे मिलना, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अब तो वो बाकायदा डंके की चोट कह के आ रहे हैं कि वो जेन्युइन स्टेक होल्डर हैं, वो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और तो अब वो जो तीसरा पक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, एफएस लेवल टॉक से पहले भी यही हुआ था। इन दो में समानता है, इससे पहले वाले में किसी में समानता नहीं है, और दोनों में हमारा रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा समस्या का समाधान होता तो संवाद से ही है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो डायलॉग प्रोसेस चलेंगे रुकेंगे, चलेंगे रुकेंगे, ये सब कैसे होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारा तो अभी ये कहना, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, इन दो चीजों को वो मान ले तो कल ही डायलॉग शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब मैं उन्हें कह रही हूं, उनके दिमाग में जो प्री कंडीशन बैठ गया है, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये प्री कंडीशन नहीं है, ये शिमला समझौते की स्पिरिट है और ये उफा की स्पिरिट है। और जो हमारे नेताओं ने हस्ताक्षर अपने अपने हस्ताक्षर के नीचे तय की है, प्लीज इसको मानिए, इसको समझिए। पूर्व शर्त कहके डायलॉग से भागिए मत, और इस समझौते की स्पिरिट को मान के आइए। अभी तो कल ही देखते हैं, शायद कल ही डायलॉग हो जाए, लेकिन अगर कल नहीं होता तो हमेशा के लिए रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार मैंने कहा था, उसे दोहरा दूं, कि डिप्लोमेसी में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता, कॉमा या सेमीकॉलन लगता है। कौन सी चीज एकदम से बदल जाए, आखिरकार मंजिल तो कभी ना कभी जब आएगी तो इसी गड्ढे वाली सड़क पे चलकर आएगी, लेकिन कितने हिचकोले और लगने हैं, कितने झटके और लगने हैं, इसको देख सकते हैं। अगर वो आज कहते हैं कि हाँ सुषमा जी आपने क्लियर कर दिया, ये प्री कंडीशन नहीं है, ये तो एक शिमला समझौते की स्पिरिट है और दूसरी उफा की, ठीक है मैं आता हूं, आइए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसको अभी भी प्री कंडीशन मानते हैं, या हम तो नहीं इस चीज को मानते, तो बातचीत नहीं होगी।